वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिनको ऊर्ध्वा लोक यानी ऊपरी क्षेत्र भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल एक लोक है जिसको भूलोक यानी धरती लोक कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं, जिनको आधो लोक यानी कि निचला क्षेत्र कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन सभी लोकों से अवगत कराएंगे, तो इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। परंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्ध्वा लोक की, जिसमें 6 लोक आते हैं। सत्यलोक, इसको ब्रह्मा लोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं, और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई हो। तपलोक, यह लोक 4 कुमार यानी बच्चे का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनत, सनक, सनंदन और सनातन, और यह लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का एक योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनीश्वर हैं, यानी इनकी मृत्यु नहीं होती है और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसलिए इस जगह को तप लोक कहा जाता है। जनक लोक, तप लोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है। मेहर लोक, जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे मेहर लोक है। इसको ऋषि मुनियों का घर कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है, और जब इनके जीवन का अंत होता है तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मा लोक यानी कि सत्यलोक जाएगी या फिर मेहर लोक के निचले स्थानों पर जाएगी। स्वर्ग लोक, यह लोक मेहर लोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसमें राजा इंद्रदेव हैं और वो गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासव, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्रता शामिल है। इनका कार्य राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है और यह अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिसको एरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा यानी कि उचरे शवा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। भूवर लोक में 8 और लोक शामिल हैं। ये भूवर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये मेहर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा है सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1,00,000 योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते हैं और ये अनंत काल से इस लोक में रहते आ रहे हैं और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है शोर मंडल, पांचवा है सूर्य लोक, जो कि धरती और भूवर लोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1,00,000 योजन की दूरी पर है। छठा है चंद्रलोक, चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और चंद्रदेव का निवास स्थान है। सातवा है राहु केतु लोक और आठवा है अंतरिक्ष लोक, इसको आकाश लोक भी कहा जाता है। यह धरती से कुछ ही दूरी पर ऊपर की ओर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास स्थान है। अब आते हैं भूलोक पर, यानी कि धरती लोक। ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाला इंसान
यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वो चीज जो जीवित है उसने एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। अब बात करते हैं आदोलोक की, यानी कि निचले क्षेत्र में क्या नाम है और यहाँ पर कौन वास करते हैं। अताल, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है, जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। वीताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटकी नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। सुताल, यहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया था और 3रा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था, जिसके बाद उनको सुताल लोक भेज दिया गया था। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए थे और उनको सुताल ही नहीं बल्कि समय आने पर देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया था। तलताल, यहाँ माया नामक असुर निवास करता है। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। महाताल, इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सर्पों का समुदाय रहता है। उनमें खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। रसताल, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। पाताल, यहाँ पर सैन्य, कुल की महासैन्या, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगसुर, कंपल, अक्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वे यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए थे और वहां आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियां इतना प्रकाश करती हैं कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती और यहाँ पर सुंदर नदियां, सरोवर और कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक हैं जो कि अस्थायी हैं। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती है वो यहीं पर आती है। दूसरा है नरकलोक। यह जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं, जो कि क्षमा ना करने योग्य होते हैं। इनको यहाँ पर सजा के तौर पर लाया जाता है और जब आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो वह पुनः जन्म लेती है और अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पे चली जाती है। नर्क लोक सूर्य पुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहाँ वो अपने सहायक चित्रगुप्त के सहायता से मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो ये थे सभी लोग जो कि सनातन धर्म में वर्णित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया। वैकुंठ लोक जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, इसको आध्यात्मिक लोक कहते हैं, जो कि 14 लोकों में नहीं आता। इन 14 लोकों में भौतिक संसार यानी कि मेटीरियल वर्ल्ड या मेटीरियल रैल्म आते हैं और इस मेटीरियल रैल्म के अंदर करोड़ों अरबों यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने अपने लोक होते हैं, इसलिए वैकुंठ लोक को इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता और केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक तक पहुंच सकती है। तो बोलो नारायण नारायण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।